आज मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो हमारा बेस्ट सेलिंग मॉडल है, स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बेसिकली जो यूज है इसका, वो स्कूल्स के अंदर टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। मेजरली प्रिंसिपल कोई रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक पर्टिकुलर रूम में क्या चल रहा है वो सुनना चाहते हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में अलग अलग पॉकेट्स में क्या क्या सिचुएशन है, कौन से बच्चे कहीं एक साथ तो नहीं खड़े हुए हैं, कहीं कोई न्यूसेंस तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी एक पर्टिकुलर रूम में कुछ अनाउंस करना है या सुनना है, सभी रूम्स में कुछ एक कॉमन अनाउंसमेंट देना है, ग्रुप वाइज अनाउंसमेंट देना है, और प्लस ऑटोमेटिक स्कूल बेल। ये जो चार फीचर्स हैं इनको कंबाइन करके हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो होता है स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हम लोग ईयर 2011 से बना रहे हैं। सुपर सिंह टेक्नोलॉजीज ने एक इस टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाए थे 2011 में। इससे पहले जो होता था स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स के अंदर, जब भी इंस्टॉलेशन होता था तो हर एक स्पीकर से इंडिविजुअल केबल ले करी जाती थी। एक स्विचबोर्ड टाइप का कंसोल पैनल बनाया जाता था जिसपे इंडिविजुअल स्विचेस होते थे, तो जिस भी रूम में आपको बात करनी है स्विच को ऑन कीजिए, आप उस रूम के साथ में कनेक्ट हो जाते थे। अब हम लोगों ने 2011 में इसी में रेवोल्यूशन लाया, हमने केबल का जो इतना बड़ा जाल था, जो जंगल ऑफ केबल प्रिंसिपल रूम के अंदर पहुंचता था, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। अब जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन होता है वो डेजी चेन में होता है। हमारे सिस्टम से दो केबल निकलती है, पहले स्पीकर में जाती है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आगे से आगे आप लूप करते हुए जाते हैं। तो इस प्रोसेस से आपका केबल काफी ज्यादा बच जाता है, तो ओवरऑल आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, प्लस मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इस सिस्टम के इंडिविजुअल आइटम के ऊपर अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंदर मेन कंसोल होता है, मास्टर कंसोल, कंप्लीटली डिजिटल मास्टर कंसोल हम लोग देते हैं, जिसके अंदर डिस्प्ले होता है, कीपैड होता है, ऊपर ही इसके स्पीकर आता है और एक माइक्रोफोन लगाने का आपको जैक मिलता है पीछे। माइक्रोफोन हम लोग गूसनेक माइक्रोफोन जैसा यहाँ पर रखा हुआ है इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। आप अपनी चॉइस के भी माइक्रोफोन्स मार्केट से लेकर इसके साथ लगा सकते हैं, सिस्टम कंपैटिबल है, सब तरह के माइक्रोफोन्स को सपोर्ट करता है। इस सिस्टम के अंदर ही बैक साइड में एक 3.5 mm का ऑक्स जैक भी मिलता है, ताकि आप म्यूजिक प्ले कर सके अपने एक्सटर्नल डिवाइस से। सपोज आपको मोबाइल फोन से, कंप्यूटर, लैपटॉप से किसी से आपको म्यूजिक प्ले करना है, वो भी आप इस सिस्टम के अंदर प्ले कर सकते हैं। इसमें सामने की तरफ को एसडी कार्ड लगाने का आपको ऑप्शन मिलता है, तो एसडी कार्ड के अंदर आप अपने चॉइस के म्यूजिक फाइल्स डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक बेल का फीचर क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन है, तो उसके लिए अगर आपको कुछ सॉन्ग्स हैं या कुछ पर्टिकुलर साउंड है, कोई अलर्ट टोन है जो आप अपनी चॉइस के इसके अंदर डालकर टाइम बेस्ड बजाना चाहते हैं, वो चीजें भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये सिस्टम कंप्लीटली डिजिटल है, डिजिटल होने के साथ ही ये एड्रेसेबल है। एड्रेसेबल का मतलब ये है कि हर एक पर्टिकुलर स्पीकर का हम लोग एड्रेस देते हैं। हमारे जो स्पीकर्स हैं वो क्लासरूम्स के अंदर ब्लैक बोर्ड के टॉप एज को मिला के लगा दिए जाते हैं, और हर एक स्पीकर का एक एड्रेस डिफाइन हो जाता है। जो एड्रेस होता है वो चलता है 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिक एड्रेसेस हम लोग देते हैं। तो इसी तरह से जो ये मास्टर कंसोल होता है, ये कितने एड्रेसेस को हैंडल करने के लिए है, उसके लिए अलग अलग जोन्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सपोज आपके स्कूल के अंदर मानो 30 क्लासरूम्स हैं, तो आपको 30 जोन्स का मास्टर कंसोल आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो मास्टर कंसोल आएगा मिनिमम 10 जोन का आता है, 10 के बाद में 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 60, 80, 99। तो इस तरह से आपके पास एक जोन्स की रेंज मिलती है जिसके अंदर ही मास्टर कंसोल आपको मिलता है। अब जैसा मैंने केबलिंग में पहले आपको बताया था कि केबल आपकी लूप फॉर्म में कनेक्ट होती है, तो जो स्पीकर्स हो गए हमारे वो सारे लूप में ही कनेक्टेड है। तो हर एक स्पीकर के ऊपर इन और आउट टर्मिनल होता है। जो पीछे से केबल आती है वो यहाँ पर इन होती है, यहाँ से जो आउट होगी वो अगले वाले का इन। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बात करें मास्टर कंसोल के अंदर, आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। 1-to-1 का मतलब है कि सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर रूम में प्रिंसिपल को सुनना है या बोलना है, तो वो एक पर्टिकुलर रूम को रीच कर सकते हैं डायरेक्टली। उसका रूम का नंबर यहाँ पे डायल करेंगे, न्यूमेरिक एड्रेस जैसे मैंने आपको बताया था 10, 11, 12, 3, 4, 61, 62, जो भी एड्रेस उनकी चॉइस का है वो उन्होंने डायरेक्टली डायल किया। जैसे ही डायल करेंगे उस रूम के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने का मतलब है कि उस रूम की आवाज इनको अपने स्पीकर पर सुनाई देने लग जाएगी। अब अगर वहां पे टीचर बैठे हुए हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ सुन रहे हो, तो उन्हें पता नहीं है, तो आप बेसिकली स्पाई भी कर रहे हो एक तरह से उनको। क्योंकि अगर प्रिंसिपल साहब वहां जाके बैठ के सुनेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो उस चीज को ओमिट करने के लिए या उस फ्लॉ को हम लोगों ने हटाने के लिए इसमें स्पाई मोड भी दिया है। तो आपने उस रूम नंबर को सेलेक्ट किया, अब आपको सारी आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, किसी बच्चे को बुलाना चाहते हैं, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप कुछ भी करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर रूम में आप अपनी साइड से भी बोल सकते हैं इस गूसनेक माइक को यूज करते हुए। तो ये तो हो जाता है हमारा 1-to-1 कॉल।
अब कोई अगर सपोज कॉमन अनाउंसमेंट है जो सभी रूम्स के लिए कॉमन है कि कल छुट्टी है या एक्स वाई जी कोई इवेंट है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली इसके अंदर ऑल कॉल मोड या ऑल कॉल मोड में जाकर जो भी अनाउंस करेंगे आपकी आवाज सीधे सभी रूम्स के अंदर ब्रॉडकास्ट होगी। अगर आप किसी को जोन वाइज करना चाहते हैं, जोन वाइज मतलब ग्रुप वाइज ले लीजिए कि सपोज बोर्ड एग्जाम की जितनी क्लासेस है उनके लिए कोई कॉमन अनाउंसमेंट है, तो इसके अंदर 5 ग्रुप बनाने का ऑप्शन है। हर ग्रुप के अंदर आप 10-10 जोन्स का एड्रेस रख सकते हैं, तो आप इसके अंदर G1 से G5 5 ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर 10-10 एड्रेसेस प्री सेव करके रख सकते हैं। और जब भी आपको उस ग्रुप के अंदर कोई कॉमन एक्सेस स्टाफ रूम्स का आपने ग्रुप बना लिया, टीचर्स के लिए पर्टिकुलरली कोई अनाउंसमेंट है, आप डायरेक्टली उसके अंदर टीचर के उनको वो अनाउंसमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा सपोज कभी कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के एग्जाम है आपके स्कूल के अंदर, आप अपने ग्रुप्स को छेड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी सेलेक्टिव अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। टोटल 10 जोन का एक सेलेक्टिव अनाउंसमेंट हो सकता है कि आपने सपोज रूम नंबर 1, 3, 8, 10, 11, 12 ऐसे 4-5 नंबरों के अंदर आपको सिर्फ एक रैंडम अनाउंसमेंट देना, डायरेक्टली रूम नंबर सेलेक्ट कीजिए एक साथ और आप टॉक करेंगे तो आपके पास उन सभी रूम्स में एक साथ चली जाएंगे, तो ये हो जाता है सेलेक्टिव अनाउंसमेंट। म्यूजिक प्ले करने का मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसके अंदर पीछे 3.5 mm का जैक है, उस जैक में आप अपना मोबाइल फोन कंप्यूटर लैपटॉप कोई भी ऑक्स केबल के थ्रू, जैसे कार में एक ऑक्स केबल होती है, ऑक्स जैक होता है, वैसे ही ऑक्स जैक इसमें ऑक्स केबल के थ्रू आप उसके साथ कनेक्ट करके अपनी चॉइस का म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। म्यूजिक जब भी प्ले होगा पूरे स्कूल में एक साथ आपको सुनाई देगा। अगर आप उसी म्यूजिक को टाइम वेस्ट करना चाहते हैं कि सपोज आपके लंच ब्रेक के बीच में आधा घंटे का लंच ब्रेक होता है, उस बीच में कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग या कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बजने चाहिए, तो उन सॉन्ग्स के फाइल बना के आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड होता है उसमें डाल दीजिए और अपना जो भी टाइम टेबल है उसके हिसाब से जो ब्रेक का टाइम है उसमें उस आधे घंटे की फाइल को आप प्रोग्राम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइल्स का तो हो ही गया, उसी तरह से आपका बेल रिंगिंग भी हो जाता है। बेल रिंगिंग की जो फाइल्स हम लोग 65 साउंड फाइल्स सिस्टम में डाल के देते हैं, 65 साउंड फाइल्स के अंदर आपकी टन टन वाली बेल की आवाज होती है, एक पीरियड है तो एक बार टन, दो पीरियड है तो दो बार टन टन करके बोलेगी, सिस्टम बोलता है दिस इज पीरियड नंबर 1, दिस पीरियड नंबर 2, उस तरह की साउंड फाइल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ऑटोमेटिक बेल के फीचर बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, आप समर विंटर एग्जाम हर एक सीजन के हिसाब से प्लस 7 दिन के साथ अलग अलग टाइम टेबल हो सकते हैं, एक दिन में 50 टाइम्स बेल बजा सकते हैं, तो जो जो रिक्वायरमेंट आपकी बेल से रिलेटेड होती है वो सारी ये सिस्टम फुलफिल करता है। तो एक तरह से ये सिस्टम आपका कॉम्बिनेशन है दो प्रोडक्ट का, एक तो आपका ऑडियो कम्युनिकेशन ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग तो हो ही गया, उसके अलावा आपको ऑटोमेटिक स्कूल बेल भी मिलता है, तो दोनों चीजों को कंबाइन करके आपको एक प्रोडक्ट इतने छोटे से आइटम के अंदर मिल देते हैं। तो ये हो गए प्रिंसिपल साहब के कैबिन की बात। अब हम लोग चलते हैं अगर क्लासरूम्स के अंदर, तो क्लासरूम्स के लिए हमारे इस तरह के छोटे स्पीकर्स आते हैं। ये वाला स्पीकर आपको 6 वॉट के अंदर मिलता है, 6 वॉट के स्पीकर आ जाता है इसी यूनिट के अंदर, एक इंटीग्रेटेड यूनिट है जिसके अंदर 6 वॉट का स्पीकर हो गया, उसी का पर्टिकुलर एम्पलीफायर हो गया, हमारी सारी ये वाली जो यूनिट है ये एक्टिव यूनिट है, इसी के अंदर इसका एम्पलीफायर आ जाता है। आपको इस मास्टर कंसोल के साथ कोई एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है स्पीकर को रन करने के लिए, तो इसी यूनिट के अंदर इसका एम्पलीफायर हो गया, इसका स्पीकर हो गया, इसका माइक्रोफोन हो गया, प्लस इसका वॉल्यूम कंट्रोल नॉब आ गया। तो एक इंटीग्रेटेड यूनिट है जो कि आप अपने ब्लैक बोर्ड के टॉप एज पे मिला के लगा दीजिए, तो आपका क्लासरूम अगर 40x40 फीट तक का भी है तो भी मेरा एक ये स्पीकर 6 वॉट का आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसको अगर आप फुल वॉल्यूम में प्ले करेंगे ये आपको 130 डीबी के साउंड जनरेट करके देगा, तो 130 डीबी एक क्लासरूम के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर बच्चे शोर भी मचा रहे हैं और अगर आपने अपने माइक्रोफोन से कुछ बोला है आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर लाउड उनके कानों तक पहुंचेगी। क्वालिटी ऑफ स्पीकर हमने स्पेसिफिकली डिजाइन करके बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है, आपकी आवाज की जो ब्यूटी है वो वहां पर आपको समझ में आएगी, बहुत ही खूबसूरत आवाज आपको इससे आउटपुट मिलेगा, लाउड मिलेगा, क्लियर मिलेगा, क्रिस्प मिलेगा। तो ये हमारा क्लासरूम के लिए स्पीकर हो गया 6 वॉट का। अगर हम क्लासरूम से चलते हैं आप कॉरिडोर्स के अंदर, लाइब्रेरीज हुई, लैब्स हुए, जो कि बड़े रूम है जहां पर आप 6 वॉट से ज्यादा वॉटेज के स्पीकर चाहते हैं, क्योंकि 6 वॉट एक 40x40 के रूम के लिए तो काफी है, लेकिन लाइब्रेरीज होती है वो देयर प्रीटी बिग, तो उसमें आपको काफी एक लाउड आवाज चाहिए। तो अगर आप रूम के साइज के हिसाब से वॉटेज बढ़ाना चाहें तो वुडन बॉडी में हमारे पास बहुत खूबसूरत दो स्पीकर आते हैं, एक 10 वॉट में देते हैं हम लोग, दूसरा 20 वॉट में देते हैं। इन स्पीकर्स की वॉटेज हैवी है तो उसके लिए आपको इस तरह का बेस टर्मिनल हर एक स्पीकर के पास में एक एक लगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो बेस टर्मिनल है ये इनडोर स्पीकर्स के लिए आपको 25 वॉट का मिलता है, तो एक बेस टर्मिनल अगर आप ये वाले हमारे 10 वॉट के स्पीकर लगा रहे हैं तो एक बेस टर्मिनल हमारा 2 स्पीकर्स को सपोर्ट कर देगा। अगर आप 20 वॉट का लगा रहे हैं तो एक बेस टर्मिनल एक स्पीकर के लिए चाहिए आपको। तो ये हमारे कॉरिडोर्स की और क्लासरूम, जो मतलब वैसे क्लासरूम से बड़े हैं, केमिस्ट्री लैब हुआ, फिजिक्स लैब हुआ, लाइब्रेरीज हुआ, उस टाइप के बड़े रूम्स के लिए आप इस तरह के सिस्टम्स पे जा सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं, अगर आपका प्रेयर ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, जो आउटडोर्स है, आउटडोर्स के लिए आप इस तरह के स्पीकर को इंस्टॉल करते हैं। ये स्पीकर्स हमारे छत के ऊपर हम लोग जो रूफ टॉप पे माउंट कर देते हैं, और इस स्पीकर के अंदर आपको जो एसडब्ल्यू की वोल्टेज मिलेगी वो 15 वाट की मिलेगी। तो आप जितनी भी डायरेक्शन है अपने स्कूल के, सभी डायरेक्शन में एक एक स्पीकर लगा दें। प्ले ग्राउंड की तरफ तो लगा ही दें, फ्रंट साइड में भी लगा दें, ताकि जो एंट्रेंस है बच्चों की, अगर कोई बसेस आती है पिकअप करने के लिए उनको बेल की साउंड चाहिए होती है, पेरेंट्स आते हैं पिकअप करने के लिए बच्चों को, उनको बेल की साउंड चाहिए होती है, तो उसके लिए आप इस वाले स्पीकर को और इस बेस टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को अलग अलग डायरेक्शंस में, जितने भी डायरेक्शंस हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, उनकी तरफ आप लगा सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपके स्कूल का कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं रह जाता है जो कि अनऑडिबल होगा, हर कोने में आपकी आवाज क्लियर पहुंचेगी। स्पीकर्स हम लोग, ये जो मैंने स्पीकर्स की रेंज बताई, ये हमारी रेंज है, आप अपनी चॉइस के भी स्पीकर्स ला सकते हैं। ये जो बेस टर्मिनल है इसके साथ कंपैटिबल, सपोज आपके क्लासरूम्स के अंदर आप फॉल सीलिंग स्पीकर लगाना चाहते हैं, तो ये वाला बेस टर्मिनल 25 वाट का आता है इंडोर स्पीकर्स के लिए। तो चार फॉल सीलिंग स्पीकर अगर 6-6 वाट के हैं, तो एक बेस टर्मिनल आपके एक क्लासरूम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरह से आपका बेस टर्मिनल्स के थ्रू अपनी चॉइस के स्पीकर्स, आपको लग रहा है कि मुझे अहूजा के स्पीकर्स लगाने हैं, बॉश के स्पीकर्स लगाने हैं, एक्सवाईजेड किसी ब्रांड के स्पीकर लगाने हैं, आप अपने स्पीकर्स लाएं, हमारा कंट्रोल स्टेशन हम लोग देंगे, बेस टर्मिनल देंगे, माइक्रोफोन देंगे, और आपके सारे स्पीकर्स टू वे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन के अंदर। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, डीसी चेन में कनेक्शन होता है। जो केबल का टाइप है इसके अंदर, हम लोग दो तरह की केबल इसके अंदर ले करते हैं। एक तो जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो आपकी कॉपर केबल है, सादी कॉपर केबल, जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल मार्केट में मिल जाएगी। इस कॉपर केबल के अंदर दो कोर लेने हैं हम लोगों को, फेज और न्यूट्रल के लिए। इस केबल का जो गेज होगा वो कितनी केबल आपकी ओवरऑल इंस्टॉलेशन के अंदर लगने वाली है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि 1 mm लेनी है, 1.5 mm लेनी है, 2 mm लेनी है, या फिर 0.5 mm की लेनी है। अगर छोटा इंस्टॉलेशन है तो 0.5 mm भी काफी होता है। इसमें हमारा एसी सप्लाई 230 वोल्ट ट्रैवल होता है, क्योंकि ये स्पीकर्स हमारे एक्टिव स्पीकर्स हैं, तो उनको एम्पलीफायर को सप्लाई देने के लिए हमें ये वाली केबल लगानी है। इसी के साथ सेम कंड्यूट पाइप के अंदर आप एक ऑडियो के लिए भी केबल ले करेंगे। ऑडियो के लिए जो केबल ले करते हैं हम लोग, 3 कोर की शील्डेड केबल होती है। यही केबल आपको, 3 कोर की शील्डेड केबल आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी, और यही केबल आपको इस्तेमाल करनी है। 3 कोर शील्डेड का मतलब होता है इसके अंदर 3 वायर्स होते हैं, इन तीनों वायर्स के ऊपर एक जाली होती है, कि अगर इस जाली के अंदर बेसिकली आपका सिग्नल ट्रैवल करता है, तो ये जाली और 3 कोर का केबल, यही केबल आपको काम में लेना है। इस केबल का गेज भी आपका ओवरऑल इंस्टॉलेशन की लेंथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों केबल्स आपकी शुरू होंगी मास्टर कंसोल से, ये जाएंगे पहले स्पीकर में, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आगे से आगे आप लूप करते हुए जाएंगे। अब सपोज इस इंस्टॉलेशन के दौरान आपके कुछ स्पीकर राइट में है, कुछ स्पीकर लेफ्ट में है, और आपका एक बीच में पॉइंट आ रहा है, यहां से आपको राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में जाना है, तो आप यहीं पर ही ये केबल जंक्शन बना सकते हैं, जंक्शन बॉक्स लगा दें, या फिर आप अच्छा टेप जॉइंट करके लेकर जाना चाहें तो टेप जॉइंट करके ले जा सकते हैं, बेटर रहेगा आप जंक्शन बॉक्स के थ्रू लेकर जाएं। जंक्शन बॉक्स से आपने केबल को दोनों डायरेक्शंस में स्प्लिट कर लिया। अब दोनों डायरेक्शन में स्प्लिट होने की वजह से आपके जितने ये वाले स्पीकर्स हैं इनको सबको तो हम लोग लूप में ले लेंगे, इन आउट फैशन में, और आपका ये दोनों केबल यहाँ आके ज्वाइन होकर सीधे मास्टर में सोप आ जाएंगे। इसी तरह सपोज आपके 4 फ्लोर 5 फ्लोर ऐसे अलग अलग बिल्डिंग है, तो हर एक फ्लोर के लिए आपको अलग अलग केबल डालने की जरूरत नहीं है, एक मदर रूट केबल हम लोग डाल सकते हैं, और उसमें बीच में से हर एक फ्लोर का हम लोग अलग अलग केबल ब्रांच आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज आपके लिए। आपकी सेवा में हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स मेजरली हिंदुस्तान के सभी स्टेट, सभी सिटीज के अंदर मौजूद हैं। आप लोग हम तक आपके मैसेजेस पहुंचाएं, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके स्कूल की बिल्डिंग को सर्च करके, स्कूल की बिल्डिंग को विजिट करके, हम लोग हमारा बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आएंगे, आपकी सेवा में पेश करेंगे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।